का यह कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी हस्ती को जिसने अपने पूरी जिंदगी संगीत को, उसकी सेवा संगीत को समर्पित किया। जब तक वो जीते रहे संगीत ही उनका ओढ़ना बिछाना खाना पीना सब रहा। वो महान संगीतकार और कोई नहीं, मरहूम उस्ताद अजीज खान साहब, जो हमारे उस्ताद शाहिद परवेज के वालिद साहब थे। खान साहब ने बहुत लोगों को सिखाया, लेकिन जैसा कि हम कभी बात कर रहे थे कि जितना कठिन एक अच्छा गुरु मिलना होता है, उससे ज़्यादा कठिन एक अच्छा शागिर्द मिलना होता है। और ज़िंदगी में आपने अगर एक भी शागिर्द अगर आपने उस तरह का प्राप्त कर लिया, उसको बना दिया, तो गुरु को मोक्ष मिलता है। और गुरु को तभी मोक्ष मिलता है जब अपनी विद्या वो संतान तक, संतान जैसा मैंने कहा कि संतान केवल पुत्र ही हो ये आवश्यक नहीं है, जो आपकी परंपरा को खींच के तान के आगे ले जाए वही संतान है। अपने पुत्र तक, अपने शिष्य तक अगर अपने विद्या को पहुंचा सकता है तभी उस गुरु को मोक्ष मिलता है। और शाहिद भाई जैसे कलाकार का निर्माण उन्होंने किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि वो कितने बड़े उस्ताद थे और उन्होंने अपना काम कर दिया। बाकी तो शाहिद भाई धूम मचा ही रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। आज की यह शुभ प्रातःकालीन सभा उन्हीं उस्ताद को, उन्हीं मरहूम उस्ताद को समर्पित है। खान साहब फिल्मों से भी जुड़े रहे और शास्त्रीय संगीत के अलावा इन्होंने, जैसे अल्लाह रखा खान साहब थे जो ए आर कुरैशी के नाम से म्यूज़िक देते थे, तो उन्होंने भी कई फिल्मों में म्यूज़िक डायरेक्शन दिया है। और उनके बड़े भाई जिनका नाम था खान मस्तान, अगर कोई पुरानी फिल्मों की याद किसी को हो तो एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वो उन्होंने ही गाया था और जिसमें रफ़ी साहब कोरस में थे। तो हम सब श्रद्धा से उन कलाकारों को, उन उस्तादों को याद करते हैं जिन्होंने संगीत का एक युग का निर्माण किया था। और आज उन्हीं कलाकारों की बदौलत, उन्हीं उस्तादों की बदौलत आज हमारे पास एक ऐसा नायाब हीरा, एक रत्न बैठा हुआ है जो प्रेक्षागृह में, ऑडिटोरियम में कम रोशनी के बावजूद भी इनके व्यक्तित्व के, इनके स्वरों की रोशनी से आज पूरा प्रेक्षागृह जगमगा रहा है। भरपूर तालियों से इनका अभिनंदन। रात के जितने ऑडियंस हैं, मैं जानता हूं कि 3:30 बजे सुबह से पहले कोई सोए नहीं होंगे अपने घर पे, लेकिन उसके बावजूद भी 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा इसी शहर में संभव है, कहीं और संभव नहीं है। ये दिखाता है आपके प्यार को जो हमारे कलाकार के लिए, शाहिद भाई के लिए यहाँ पर है। और जब भी शाहिद भाई हाथ में सितार पकड़ते हैं, एक ऐसी अनवरचनीय छटा छा जाती है कि क्या बात है। उसके बारे में नहीं कुछ कहें तो ज़्यादा बेहतर है, केवल बस वो शहद जिसे कहते हैं कि सितार से शहद टपकना, बस शहद टपकता है और उसका हम आनंद लेते हैं। भगवान करे कि ये भी 100 साल जिए और हम भी 100 साल जिए, ताकि इनके संगीत का इस तरह से हम आनंद हम उठाते रहें। हमारे जो दूसरे अजीज दोस्त के साथ तबले पे आए हुए हैं, उस्ताद अकरम खान साहब, अकरम भाई दिल्ली घराने के प्रतिनिधि हैं, और मैं तो कहूँगा कि अब दिल्ली घराने, दिल्ली बाज जो है, वो तबला अगर रह गया है तो भाई अकरम भाई के हाथ में रह गया है। क्या बात है।
अजराड़ा, ओहो कोई बात नहीं, बहुत नज़दीक का रिश्ता है दोनों का। अजराड़ा का तो बड़ौदा से ख़ास संबंध रहा है, उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब खुद यहाँ थे और उनके शागिर्द सुधीर कुमार सक्सेना साहब यहीं हैं, तो मैं तो कहूँगा अकरम भाई अपने घर में आए हुए हैं। और अकरम भाई ने इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा लोगों का प्यार स्नेह सम्मान इनको मिला है, चाहे मरहूम उस्ताद विलायत खान साहब हों या एक जूनियर से जूनियर कलाकार हों, हर कलाकार के साथ इतने प्रेम से संगत करते हैं कि वाह, मुँह से केवल एक ही शब्द निकलता है, क्या बात है। और आज आप देखेंगे कि इन दोनों रत्न जो संगीत के ये हैं, एक स्वर के और एक लय के, हालांकि शाहिद भाई को मैं स्वर ही नहीं कहूँगा, लय का भी इनका क्या बात है, क्या जवाब नहीं इनका लय का, जितने सुरीले हैं उतने ही लयदार भी हैं। तो आज जो समा बंधेगा उसकी बात ही कुछ और होगी। अकरम साहब, मैं भाई कह के आपको संबोधित कर गया, ये हमारे बिहार का भाई है, बम्बई का भाई मत समझिएगा इसे। तो शाहिद भाई आपसे प्रार्थना है कि आप प्रारंभ करें।
Thank you.
हैं।